आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हम सबको ये लग रहा था कि अब कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो लगभग शांत रहेंगी और ये लग रहा था कि सरकार अपने पूर्ण तरीके से काम करती रहेगी और कुछ दिनों बाद फिर से जब लोकसभा के चुनाव करीब आएंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वो राजनीतिक दल आना या जगह बनाना शुरू कर देंगे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद से ही अब उत्तर प्रदेश में लगातार जो राजनीतिक पारा है वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि कई सारे चुनाव बैक टू बैक उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में लगे हुए हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो राज्यसभा चुनाव, इसके बाद MLC के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव, ये सारे जो चुनाव हैं वो अभी एक के बाद एक लगे हुए हैं और उसके बाद पूरे देश का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी राजनीतिक दलों की पूरी नजर जो है वो बनी हुई है। ऐसे में आज BJP जो कि केंद्र में पिछले 8 साल से काबिज है, आज उन्होंने अपने 8 वर्ष पूर्ण कर लिए और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस वार्ता बीजेपी कार्यालय पर की और उन्होंने लगातार उन्हीं चीजों को फिर से दोहराया जो वो एक लंबे समय से दोहराते आए हैं। और वो चीजें ये हैं कि हम लगातार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, देश में आज भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद, इस पर नकेल कसी गई है। लगातार इस तरह की बातें जो हैं वो पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं और आज भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश विदेश में भारत का मान अगर किसी ने बढ़ाया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और देश की BJP सरकार है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कराना है, आखिरी घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, इन सब का जो खाका है वो केंद्र से तैयार होकर के शुरू किया जाता है और उसे राज्य में ला करके इंप्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से रही है, जिसमें हम कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से कामयाब भी हुए हैं। और उसी का नतीजा ये भी है कि उत्तर प्रदेश में भी केंद्र की तरह BJP ने जीत हासिल करके सरकार बनाई। तो आज 8 साल केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं, 2024 में फिर से लोकसभा का चुनाव है और उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं जो आगे की रणनीति है उस पर भी विचार विमर्श, तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। ऐसे में जो अपना पिछला कार्यकाल रहा है उसके बारे में भी बता देना इन राजनीतिक दलों के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो बैक टू बैक सत्ता में आने का हो या फिर एक लंबे समय से सत्ता में ना आने का भी हो। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की, कांग्रेस 8 सालों से सत्ता में नहीं है लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने की और पार्टी और संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगी रही हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि किस तरह से उन्होंने हर मुद्दे पर आगे बढ़ करके प्रदेश की समस्याओं को उजागर करने की काफी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम तब साबित हुई जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजे वो जिसकी अपेक्षा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी, प्रियंका गांधी ने भी नहीं की थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हुए सामने आए कि इस बार कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक विधानसभा पहुंचेंगे और कांग्रेस ने जो उम्मीदें जताई थी, जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा था, महिलाओं को 40% सीटें देने की बात करके उन्हें सीटें दी, प्रत्याशी बनाया, ये सारी चीजें जो है वो काम नहीं आई और कांग्रेस अपने उस इतिहास को बदल नहीं पाई जो एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में रिपीट हो रहा है कांग्रेस के लिए। फिलहाल एक बार फिर से अपनी हार पर मंथन करने के लिए और चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए प्रियंका गांधी आज राजधानी लखनऊ पहुंची। उन्होंने कई अहम बातें बोली। उन्होंने कहा कि हम जितनी मेहनत के साथ विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़ रहे थे
24 के लिए उससे ज्यादा मेहनत के साथ हमें लड़ाई लड़नी है, अभी से लड़नी है। हमें संगठन को मजबूत करना है, हमें कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ानी है, हमें बूथ लेवल तक जाना है, हमें वो जोश भरना है कि हम 24 में नतीजों को बदल दें और ये बता दें कि हम एक ऐसी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे हम हराने का पूरा मादा भी रखते हैं। और 24 के नतीजे वो जब आए तो ये साफ तौर पर सिद्ध हो जाए कि हमने उस सरकार को हरा दिया जो देश प्रदेश में जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही थी। कई सारे मुद्दों को लेकर के प्रियंका गांधी ने बोला भी, लेकिन नतीजे आने के बाद प्रियंका गांधी एक लंबे समय बाद राजधानी लखनऊ पहुंची। 2 दिनों का यह चिंतन शिविर है, तो क्या इतना लंबा समय कांग्रेस के लिए और उनके प्रमुख नेताओं का उत्तर प्रदेश में ना होना कितना सही रहा? प्रदेश अध्यक्ष अभी भी नहीं है कांग्रेस के पास, हालांकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ प्रियंका गांधी ने जरूर करी है आज, लेकिन क्या उससे काम चल जाएगा? अभी तक नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश से 3 बड़े नामों को राज्यसभा भेजने की तैयारी करी गई है, भेजा भी जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए क्या तैयारियां हैं, इस पर विचार विमर्श चर्चा कांग्रेस को भी करनी जरूरी है और हमें और आपको भी, जो लोग कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश और देश को देखते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव उन्होंने काफी मजबूती से लड़ा लेकिन नतीजे उनके हक में नहीं आए, लेकिन हाँ ये बात अच्छी हुई कि इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ जीत करके वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। और अभी जो सत्र बजट सत्र उत्तर प्रदेश में बीता है उसमें साफ तौर पर देखा गया कि सरकार के बजट से लेकर के विकास कार्य से लेकर के हर मुद्दे पर जिस तरह से जवाब तलब नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव ने किए हैं, इससे यह साफ साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए इस बार थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन एक सवाल बड़े लंबे समय से उठता आया कि अखिलेश यादव और उनका जो पॉलिटिकल अलायंस है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से काफी नाराज है और अलायंस के साथ साथ उनके जो अपने नेता हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। सबसे बड़ा नाम आजम खान का रहा कि आजम खान जब जेल में थे तो अखिलेश यादव ने उनकी सुध नहीं ली, वो चाहते तो आजम खान को बाहर निकाल सकते थे, आजम खान जिस दिन बाहर आए उस दिन भी अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए। कई सारी बातें जो हैं वो लगातार बीजेपी की तरफ से, लगातार अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से और प्रसपा की तरफ से कही जा रही थी। प्रसपा वो दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव हैं, जिन्होंने सपा के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ा था, वो विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर लीडर्स में से हैं, लेकिन नाराज हैं अखिलेश यादव से। फिलहाल आज इस नाराजगी को दूर करते हुए अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव से तो नहीं लेकिन हाँ आजम खान से मुलाकात दिल्ली में करी। आजम खान बीमार चल रहे हैं, दिल्ली में एडमिट हैं, वहां पर जाकर के अखिलेश यादव ने करीब 2.5 से 3 घंटे तक उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाला और ये बताने की कोशिश की कि अब हमारे बीच चीजें सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या चीजें सामान्य हो गई हैं और अगर सामान्य हो गई हैं तो अब आगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का क्या कदम होगा, शिवपाल सिंह यादव का क्या कदम होगा, ये भी देखना अहम है। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करूंगा कि अब 24 के लिए वो किस तरह से तैयार हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आरएलडी ने भी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय के रूप में नियुक्त किया है जो कि पूर्व विधायक हैं। और अब इससे लग रहा है कि जयंत चौधरी जब राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की आवाज़ को उठाएंगे तो राम आशीष राय उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों को उठाएंगे, सरकार के सामने सवाल खड़े करेंगे। बयान सुनिए, उसके बाद में इस डिबेट को शुरू करता हूँ। देश के अंदर लग तो रहे थे लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए कोई ठोस प्रयास इन 35-40 वर्षों के अंदर कहीं भी उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने है कि एक एक योजना न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि समाज जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में भी आत्मनिर्भर भारत
के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सहायक हो रहा है। हम इस देश के नौजवान के लिए लड़ रहे हैं जिसको गुमराह किया जा रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि धर्म और जाति पे बटो, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हें नौकरी कहाँ से मिलेगी, तुम कमाओगे कहाँ से, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा, तुम अपने माँ बाप की देखभाल कैसे करोगे। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। जितना काम हमने किया, जितनी मेहनत हमने की, उससे दुगनी करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है कि मैंने खूब दौड़ाया आपको। जिला अध्यक्ष अक्सर मुझे कहते हैं कि दीदी इतने सारे कार्यक्रम हम कैसे करें, लेकिन कोई और राह नहीं है, हमें और भी करना पड़ेगा। गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, हम ही समझते हैं कि इस देश का क्या हो रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सत्यजीत अतवारा साहब हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं, रजी हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अरविंद पटेल हमारे साथ RLD से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब अब से थोड़ी देर में उससे जुड़ेंगे, मैं तब तक रजी हसन के पास चलता हूँ। रजी भाई, आज 8 साल केंद्र की सरकार के पूरे हो गए हैं, अब आगे आप लोग किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि 24 का चुनाव है और अतवारा साहब लंबे समय से कह रहे थे कि आजम खान आप लोगों से बड़े नाराज हैं, अखिलेश यादव से बड़े नाराज हैं। आज अखिलेश यादव ने मुलाकात की है आजम साहब से, क्या है पूरी मुलाकात के बाद क्या निष्कर्ष निकला है? पहले तो पहला बिंदु तो आपका ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के देश में सरकार के 8 साल पूरे हुए। वाकई आज 8 साल पता नहीं चले कि कैसे कट गए। इतनी तकलीफों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने, बेरोजगारी के साथ, महंगाई के साथ काटे हैं। अब जनता की लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। जनता लड़ाई करेगी 2024 में। क्यों आप नहीं लड़ाई करेंगे? नहीं, हम तो जनता के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए खड़ा है। मगर जिस जनता को जाति के नाम पर, रोजगार के नाम पर, पकौड़े के नाम पर बेवकूफ बनाकर जिस तरह से ये 8 साल काट दिए भारतीय जनता पार्टी से, ये जनता भूल नहीं सकती। और उसके साथ भी बहुत सी ये योजनाएं जो चलाई आपने इन 8 सालों में, चाहे उज्ज्वला योजना हो, गैस सिलेंडर तो दे दिया, भरवाने का पैसा नहीं दिया। जैन साहब सुन रहे हैं ना? जैन साहब बहुत अच्छे सुने। जैन साहब जी को भी को नमस्कार, क्योंकि इनके 8 साल पूरे हुए, आपको तो हम बधाई दे ही सकते हैं, सरकार को नहीं देंगे, आपको बधाई दे देंगे। जैन साहब स्वीकार की नहीं? धन्यवाद धन्यवाद। तो जैन साहब भी जानते हैं कि पूरे 8 साल जनता को हर तरह से बेवकूफ बनाना, जनता को, नौजवानों को, किसानों को, गरीब दलित पिछड़े शोषितों को बेवकूफ बनाकर ये 8 साल पूरे कर लिए। पर आने वाला समय इन लोगों के लिए बहुत कठिनाइयों का, क्योंकि सीधी जनता अब जमीन पर उतर चुकी है और वो अपना हक मांगने के लिए, चाहे वो MSP के माध्यम से हो, किसान भाई हो, और चाहे नौजवान हो जो नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, और महिलाएं भी उतर रही हैं जो कि देख रहे हैं जिस तरह से पेपर लीक कराया जा रहा है, जिनका भविष्य नौजवानों का खराब किया जा रहा है, उस पर भी बहुत ही जनता आक्रोशित है। और ये 8 साल का हिसाब हम लोग 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथियों से लेंगे। ठीक है, 100% लेंगे। और दूसरा आजम खान साहब की बात, दूसरा आजम खान साहब, आजम खान साहब हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। अतवारा साहब तो कह रहे थे नाराज हैं, और नहीं, कहने को तो कोई भी कह सकता, हमारे गठबंधन के साथी हैं और हम तो उनको भी विश्वास में लेना चाहते हैं कि 2024 की लड़ाई जब हम सब गठबंधन के साथी मिलकर लड़ेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी को केसी जैन साहब को रोक पाएंगे, वरना फिर ये हमें आपको बांटकर, चाहे आजम खान साहब के नाम पे हो, चाहे चाचा शिवपाल जी के नाम पर हो, और चाहे जैन जी के नाम पर हो, ये बांटकर फिर हम लोगों पर राज करेंगे। तो हम लोगों को सतर्क रहना है और हम लोगों का गठबंधन और हम लोगों की टीम एक पूरी मुस्तैदी से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में काम करेगी और 2024 में, आने वाले 24 में हम लोग इनको आसानी से रोक लेंगे। तो कि आप कांग्रेस के साथ इनको रोकेंगे या कांग्रेस के अलग अलग होकर के रोकेंगे? देखिए, हमारे गठबंधन के साथी जितने भी हैं, हम देखिए, ये तो गठबंधन का फैसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय जयंत चौधरी जी का, और आप जिन
प्रियंका गांधी आई है ना, तो कह रही थी कि हम भी और देखिए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जनमत का सही इस्तेमाल करने के लिए और जनता के हक की लड़ाई के लिए अगर कोई भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहता है तो उसका स्वागत है। अच्छा। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। हमारे नेता ने तो सदन में भी कहा कि हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो देश के लिए लड़ेंगे, देश को बचाने के लिए लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। तो किसानों की लड़ाई लड़ने में और जनहित के लिए, अच्छे विकास कार्यों के लिए जो भी पार्टी गठबंधन ने हमारी आना चाहेगी उसका स्वागत, और जो मेरे गठबंधन के साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। ठीक ठीक। रविंद्र पटेल हमारे साथ आरएलडी से। रविंद्र भाई, 8 साल पूरे हो गए केंद्र सरकार के, आज काफ़ी चीज़ें बताई भी गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, केंद्र के नेताओं की तरफ से भी बताई जा रही हैं, और एक तरह का जश्न का माहौल है, जैन साहब भी उस जश्न में कहीं ना कहीं शामिल हुए होंगे। आपको क्या लगता है कि अब आगे की लड़ाई आप लोग कैसे लड़ेंगे, क्योंकि आज जिन चीज़ों के बारे में बताया गया उससे तो ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और देश काफ़ी विकासशील रास्ते पर पहुँच चुका है और चल रहा है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देना चाहूँगा जो सत्ता के नशे में मदमस्त हैं और जिन्हें किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे दिवा स्वप्न वाले नेताओं को बधाई हो 8 साल पूरे होने पे। मैं उनसे इत्तफाक नहीं रखता। मैं मानता हूँ कि ये जीवन के 8 साल इतने दुरूह और इतने कठिनाई से गुजरे हैं, इसमें 2 साल कोरोना के भी हैं, बाकी के छः साल इनकी गलत नीतियों और गलत योजनाओं के हैं। ये किसानों को सब्सिडी नहीं देना चाहते, ये किसानों को 2000 रुपये का घूस देना चाहते हैं, ये किसानों को उनकी लागत का मूल्य नहीं देना चाहते, लेकिन यह किसानों को प्रलोभन राशि देना चाहते हैं, ये बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते, उन्हें ज्ञानव्यापी धर्म मस्जिद मंदिर में उलझाना चाहते हैं। जब भी इनका चुनाव नज़दीक आता है, ये विपक्ष के नेताओं पे ईडी, आईटी और इस तरह के तमाम सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करते हैं। रिसेंट में कुछ हुआ है क्या? अरे क्यों नहीं हुआ भाई, आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन जी पर, जब वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तो उनको ईडी कर दिया जाता है। जबकि अभी मैं किसी चैनल को देख रहा था, वो बता रहे थे कि उन्हें सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते मैं इस बात को बड़ी मुखर होकर उठाना चाहता हूँ कि ये क्या तरीका है कि जब आदरणीय अखिलेश जी जनता के मुद्दे पे संघर्ष कर रहे हैं, जैन जी संघर्ष कर रहे हैं, गठबंधन संघर्ष कर रहा है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। कभी समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों के माध्यम से खबर आती है कि भाई जैन जी बिदक गए हैं, जैन जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, वहां से राज्यसभा जाएंगे। हमें नहीं पता कि यह किस तरह की गुमराह करके इससे क्या लाभ मिलता है। दिन पहले जैन साहब भी कह रहे थे कि नाराज चल रहे जैन। हाँ बिल्कुल, हमसे संपर्क में है। बिल्कुल, ये इस तरह की बातों को करके ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। आप एक चैनल है, नेशनल चैनल है, और आपके चैनल पे मैं इस बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ कि देखिए, भ्रम का जाल आप कुछ दिन बुन करके लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसका जो अंतिम हस्त्र होगा वो बहुत विभत्सकारी होगा। सत्यजीत साहब हमारे साथ प्रस्पष्ट है। सत्यजीत जी, आप लोग कह रहे थे आजम खान काफी नाराज, गुस्सा चल रहे हैं, आज तो अखिलेश यादव ने मुलाकात कर ली, लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और दूसरी तरफ 8 साल भी आज पूरे हो गए केंद्र सरकार के। देर कर दी जी, जी बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, पहले आना चाहिए था जी। जब जेल के सलाखों के अंदर आदरणीय आजम खान साहब बंद थे, हाँ। तो उस समय जाना चाहिए था जी। जब जेल के सलाखों से आदरणीय आजम सिंह आजम जी छूट रहे थे, हाँ। तो उस समय जाना चाहिए था। और मेरा अपना मानना है कि जब जेल के सलाखों के अंदर थे तब धरना होना चाहिए था, प्रदर्शन होना चाहिए था, आंदोलन होना चाहिए था, सड़क से सदन तक आवाज उठनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या आजम खां को इस बात का दंश नहीं होगा? क्या आजम खां को इस बात की पीड़ा नहीं होगी? लेकिन मिलना ठीक है, अब चुनाव आया है और लोकसभा की घोषणा हुई है, रामपुर भी सीट है। अच्छा, रामपुर वाले डिस्कशन के लिए गए थे क्या? हाँ, तो जाहिर सी बात है कि देखिए, जब
स्वार्थ, देखिए मैं किसी को ऊपर आरोप नहीं ला रहा हूं नितिन जी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो चीज पहले करनी चाहिए थी वो चीज बाद में हो तो उसमें मजा नहीं आता, टाइमिंग गड़बड़ है, टाइमिंग और सही होनी चाहिए थी। और रही बात यह कि केवल मुलाकात से, देखिए राजनीति में तो मुलाकात होनी चाहिए ना, लेकिन मुलाकात करके नहीं, जब विषम परिस्थितियों में थे, अभी भी तो विषम परिस्थितियों में है, अभी भी उस त्रासदी से, उस दौर से आदरणीय आजम खान साहब निकले नहीं है, अगर निकले होते तो उनको अस्पताल में एडमिट ना होना पड़ता, अस्पताल में भर्ती ना होना पड़ता। तो मेरा अपना सिर्फ ये कहना है कि किसी भी तरीके से अगर ये पहले गए होते तो बेहतर होता। देखिए मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, देखिए राजनीति में अभी हमारे प्रवक्ता साथी कोई बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया था, इन्होंने कहा कि जनता को बेवकूफ बनाकर कुछ दिनों तक जो है अपनी रोटी सेंकी जा सकती थी, इनका आशय ये था। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी बेवकूफ नहीं है, किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जाता। जनता जो है जो उसकी इच्छा होती है उसके अपने विचार हैं, वो संदर्भों को लेती है, संदर्भों को समझती है, और किसी को हराने के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस की बात आई, समाजवादी पार्टी की बात आई कि हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, हमें इनको हराना है, हम अपने विचारों को जनता के बीच में ले जाएं और हम अपनी नीतियों को बताएं। सुनिएगा आपके पास, प्लीज फर्स्ट राउंड में हमारी वैचारिक शक्ति जो होगी वो प्रबल होकर के अगर जनता के बीच में जाएगी तो जनता हमें पसंद करेगी, तो हमें किसी से लड़ना नहीं है। हाँ, जनता के हित के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती तो उसके विरोध में हमें खड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर जनता के हित में कोई काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है तो उसके साथ हमें उसका समर्थन देना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी का मसला है, ये पूरे देश का मसला है। जो है सरकार की हर नीतियों का विरोध करना हमें लगता है ये उचित नहीं होता है। जहां विरोध करने की बात आए वहां विपक्ष को विरोध करना चाहिए, उसके लिए हमें भी खड़ा होना पड़ेगा और विपक्ष के सभी दलों को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के भले के लिए है, 24 करोड़ की आबादी के भले के लिए है, तो उसमें हमें भारतीय जनता पार्टी नाम तो बताएं, नाम बता दें कामों के, साथ देना। अरे वो आपके साथ ही है, वो क्यों बताएंगे भाई, अच्छा काम किया ही नहीं भाई, हम पूछ सकते हैं, कुछ तो बताएं, जैन साहब से पूछेंगे, हम जैन साहब से भी पूछेंगे, आपसे भी पूछे, हो सकता है आपके संज्ञान में कोई अच्छा काम हो बता दीजिए, कुछ साठगांठ नहीं नहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे, मैं उनका स्पोक्सपर्सन नहीं हूं। अरे सर नहीं 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 रजनी साहब प्लीज, कुछ साठगांठ है अखिलेश मिलते हैं, नहीं नहीं आप हमारे गठबंधन प्लीज रजनी साहब मैं पूछ लूं, मैं संतजी जी हमारे गठबंधन, अरे रजनी भाई सुनो आप प्लीज, मैं मुझे बोलूं हमारे विचारों को, सत्यजीत जी रविंद्र पटेल बैठे हैं मेरे बगल में आरएलडी से, अरे मुझे पूछने दो रजी भाई प्लीज, ये रविंद्र पटेल मेरे बगल में बैठे हुए हैं और मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि पूछिए क्या कुछ साठ गांठ चल रही है क्या। नहीं नहीं देखिए राजनीति में तो देखिए सीधी सी बात है कि राजनीति में जनता के हित के लिए लोग काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के भलाई के लिए काम किया जाता है, आदरणीय सुपाल सिंह यादव तो हमेशा उत्तर प्रदेश के भले के लिए सोचते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की भलाई किसी भी कदम को उठाने में है तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव उस कदम को उठाने में चुकेंगे नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का भला होना चाहिए, व्यक्तिगत भला नहीं, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी का भला होना चाहिए। ठीक है मैं आता हूँ, चंद्रेश सिंह हमारे साथ कांग्रेस से, चंद्रेश जी चुनाव के नतीजे आने के बाद एक लंबा समय बीत चुका है, उसके बाद प्रियंका गांधी दो दिन के चिंतन शिविर में आई हुई हैं, क्या क्या हुआ आज और अब आगे क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, और आज ही 8 साल भी केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं, दोनों चीजों को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए भारत की जनता ने बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। 8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों से कुछ वादे किए थे कि वो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश में महंगाई कम करेंगे। इन दो प्रमुख मुद्दों के साथ भाजपा सरकार में आई, लेकिन सरकार में आने के बाद लगातार देश के अंदर महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, 2 करोड़ रोजगार देने की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। और जब ये 2014 में सत्ता में आए उसके बाद अलग अलग चुनाव में इन्होंने देश के लोगों से कुछ वादे किए, काशी को क्योटो बनाने का वादा किया, देश में बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया, देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया, लेकिन इसमें से एक भी वादे को इन्होंने पूरा नहीं कर पाए। ऊपर से
गलत नोटबंदी और जीएसटी के मार के कारण जो हमारे कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, घरेलू उद्योग थे, वो बर्बाद हो गए। तो ओडीओपी भी तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का 8 साल पूरा आज नहीं हुआ है, भारत के बर्बादी और विनाश का 8 साल पूरा हुआ है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि वो मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकती और ना ही मुद्दों पर बहस करने के लिए, बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं के पास कोई शब्द है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति को लगातार सांप्रदायिकता की ओर मोड़ना चाहती है। ठीक है, अच्छा एक सवाल, चंद्रेश भाई, राजनीतिक लाभ ले सके, हो गया चंद्रेश भाई, एक सुन लीजिए, एक सवाल तो ले लीजिए, सवाल ले लीजिए मेरा, देश के सुन लीजिए, पूरी बात पूरी जान दीजिए, फिर सवाल पूछिए। आ रहा हूं जैन साहब के बाद। कांग्रेस पार्टी की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है और भारत के संविधान, भारत के मूल्यों और भारत के लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ती रहेगी, आगे भी लड़ेगी। और आज उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी जी ने एक बार फिर इसका आगाज किया। ठीक है, मैं ये कह रहा था रजी हसन है साथ में सपा के, इन्होंने भी शुरुआत में ही कहा है सबसे पहले कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हमारे साथ आना चाहे तो आ सकती है। आएंगे क्या? हंस रहे हैं आप। आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव प्रांतीय चुनाव नहीं होता है, पूरे देश का चुनाव है और पूरे देश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले पूरे देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पास संगठन है? कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी पार्टी पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी से विभिन्न राज्यों में लड़ सकती है? तो कांग्रेस पार्टी को सुन लीजिए। हाँ, ये जरूर बात है कि विपक्ष का अलायंस बनता है तो अच्छी बात है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते। राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी भाजपा से लोकसभा 2000 चुनाव में बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। यह युद्ध धर्म युद्ध है, यह युद्ध न्याय का युद्ध है, यह युद्ध संविधान और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। यदि इसमें कांग्रेस के साथ कोई भी आता है तो उसका स्वागत होगा, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। थैंक यू। केसी जैन साहब हमारे साथ, बीजेपी से। जैन साहब, सबकी बातें आपने सुन ली, आपके 8 साल जो पूरे हुए हैं उसको लेकर के भी सबने क्या बताया आपने वो भी सुना होगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, 8 साल पूरे हो गए, अब बाकी के 2 साल कैसे रहेंगे? इसके अलावा आज अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात करके आप लोगों को ये बता दिया कि हमारे बीच में कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा है, और प्रियंका गांधी भी 2 दिन के चिंतन शिविर में लखनऊ आई हुई है, क्या जवाब है? जी देखिए नितिन जी, आधे घंटे की डिबेट हो गई जी, मैं पहले सबको सुनवा देता हूँ फिर आपके पास आया था मैं। नहीं नहीं, हमें लगता है अगर जो कमेंट्स आए, चूंकि जवाब सबका हम ही को देना है, बिल्कुल, तो एक दो लोगों के बाद अगर जवाब ले लेते, फिर दो लोग बाद जवाब ले लेते, तो हमें लगता है जवाब पूरा आ जाता है। देखिए जवाब है आपके पास, अरे बोल ले तो दीजिए, शुरुआत कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि इनको चुप करिए, हमारे जो सपा के साथी हैं, ये सदन में भी हल्ला बोल करते हैं, यहाँ भी हल्ला बोल करेंगे। अभी कांग्रेस को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कांग्रेस से गठबंधन करने की बात कर रहे थे। पहला जवाब तो यही है कि गठबंधन कैसा दिखाई देगा, आपके चैनल की तस्वीर ये बहुत कुछ स्पष्ट करती है कि भविष्य में जो विपक्ष का गठबंधन होगा लोकसभा चुनाव के लिए वो कैसा होगा। दूसरी बात कि देखिए, माननीय मोदी जी पे जनता ने विश्वास जताया और अभी कांग्रेस के साथी जो कह रहे थे कि ये धर्म युद्ध है, तो जिन्होंने सबसे ज्यादा अधर्म किया, जिस पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा घोटाला किया, जिसके कारण जनता ने इनको हटा दिया, अब वो कह रहे हैं धर्म युद्ध है, और ये भी कह रहे हैं कि ये धार्मिक मुद्दों को ये मुद्दा बनाते हैं, मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। अरे आपने अभी जीएसटी का नाम लिया, आपने नोटबंदी का नाम लिया, 2 बार आप जीएसटी नोटबंदी खेल चुके उत्तर प्रदेश में, लोकसभा चुनाव में खेले, विधानसभा चुनाव में खेले, फिर विधानसभा चुनाव में खेले, आपको क्या आस मिला? आप 1-2 सीट पे सिमट गए, पूरे प्रदेश में 400 सीटों पे आप लड़ रहे थे। इस बार तो आपका गठबंधन भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी को आप दोष देते कि भाई 300 सीटें उनके पास थी, 100 सीटें हमारे पास थी, नहीं तो हम 200 सीटें लड़ते। इस बार तो आप ये भी दोष नहीं दे सकते थे, आप स्वतंत्र होकर के लड़ रहे थे, किसी के साथ आपका गठबंधन भी नहीं था। लेकिन 400 सीटों में क्या हुआ, 400+ सीटों में से 1 सीट पे आपको संतोष करना पड़ा, वो भी कहीं तुक्के से आप जीत गए। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो, उसका पूरा सफाया हो चुका है, बसपा जो 2024 में लड़ सकती थी उसका भी पूरा सफाया हो चुका है। हाँ,
उनकी ने एक बात सही कही कि अगर वो विपक्ष के रूप में देखा जाए तो सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी जनता ने नकार दिया। कैसे नकार दिया? जो एमएलसी के चुनाव हुए समाजवादी पार्टी, एमएलसी के चुनाव याद होगा, आपने पर्चे छीने थे बाहर। बोलने दीजिए रजी भाई प्लीज, नहीं मैं आऊंगा इसके बाद, आपने पर्चे इसके बाद आऊंगा प्लीज। अरे ठीक है, इसके बाद आऊंगा, पर्चे छीने रजी भाई प्लीज, पहले बोल लीजिए। नहीं ऐसे नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, ऐसे नहीं पहले राउंड में नहीं प्लीज, मैं आऊंगा इसके बाद रजी भाई प्लीज। नहीं ऐसे की थी आपने, गलत बात, फिर आप बता रहे आप कितनी सीटों पे लड़े। बोल लीजिए पहले, आप जितनी सीटों पे हम लड़े आपने कैसे लड़ा, आपने कैसा चुनाव लड़ा ये आप खुद जान रहे हैं। आपने देखा नहीं कैसे पर्चे छिनवा रहे थे आप? 400 वोट भी नहीं पाए। समाजवादी को गुंडा कहते हैं मगर आप सबसे बड़े गुंडे तो आप हैं। पर्चा आप छिनाते हैं, नामांकन करने से आप रोकते हैं, लोकतंत्र की हत्या आप करते हैं, गाड़ी आप चलाते हैं, आप करते हैं छापा मार सकती है किसी नेता के, सीबीआई किसी नेता को भय दिखा सकती है, लेकिन सीबीआई ईडी किसी जनता को भय नहीं दिखा सकती। सरकार के रजी जी ने बीच में सवाल किया, मैं उनको जवाब दे दे रहा हूँ। सरकार मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन बीच में इन्होंने इंटरप्ट किया, सब जवाब सुन लीजिए धैर्य से। देखिए इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर आपने सवाल किया तो उसका जवाब ले लीजिए, मैं आपको ही जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, आप सवाल करके भागिए, हम समाजवादी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं आपसे। तो भाग रहे, कोई नहीं लड़ रहा। आइए रोड पर और सदन पर, दोनों जगह लड़ेंगे जनता के लिए। सदन के अंदर तो अंग्रेज जी ने कहा गुंडों को छोड़ दो। अरे सदन के लिए आपको सुधार रहे अंग्रेज जी। ठीक है प्लीज, हो गया जैन साहब। अरे ठीक है भाई, डिबेट को आगे बढ़ने दो, हो गया भाई। रजी भाई प्लीज, बिल से निकालने का काम किया जी ने। सदन के अंदर जो टिप्पणी की है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर, रे बे तू धक धक करके जो बात की है, ये गुंडों माफियाओं को आज जनता भी तैयार है आपसे ऐसे ही मुकाबला करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता दरवाजा खोल चुकी है इसी तरह से बिहेवियर आपके साथ करने के लिए। जैन साहब लोकसभा में आप प्रमाण मिल जाएगा, ऐसे नहीं डिबेट करें प्लीज। ये देखिए ना, ठीक है, आप गुंडे बोल लेने दीजिए। अरे आपकी गुंडाई, अरे बोल लेने दीजिए भाई, ऐसे तो कोई नहीं बोल पाएगा। आप बोलने दो पहले रजी भाई प्लीज, मैं ऑर्डर डाउन करा दूंगा प्लीज प्लीज रजी प्लीज। नहीं नहीं गलत बात है, ये गलत बात है आप समाजवादी को गुंडा दिया सर, बोलने दीजिए। जैन साहब पूरा कीजिए। साहब से मुलाकात अच्छी बात है, अजब खान साहब कोई समाजवादी पार्टी के बाहर नहीं है, लेकिन उनके प्रवक्ताओं की जो बातें बाहर आई और आदरणीय यादव जी उनको लेने के, जब वो जेल से छूटे और वो लेने भी नहीं गए अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी ये कहते रहे कि मैं मिलूंगा, वो मिलने भी नहीं गए। और समाजवादी पार्टी के जो नेता खास करके रविदास मेहरोत्रा जी उनसे मिलने पहुंचे थे तो सीधे सीधे उन्होंने मना कर दिया था, कहा मेरी तबीयत खराब है, मिलना नहीं चाहता हूँ। जस्ट दूसरे दिन शिवपाल जी पहुंचते हैं, वो भी मुलाकात कर लेते हैं। कांग्रेस का कोई पहुंचता, वो भी मुलाकात कर लेते हैं। तो आजम खान से मुलाकात की है माननीय अखिलेश यादव जी, लेकिन अखिलेश यादव जी की और आजम खान जी की तलखी क्या दूर हो पाएगी? क्योंकि साफ साफ उन्होंने कहा कि हमारे अपनों ने ही हमको जेल पहुंचा दिया, हमारे तो आजम अखिलेश जी के रिश्ते कितने अच्छे हैं, ठीक है, पता जान चुकी है, ठीक है, और वो दोनों लोग भी जानते हैं कितने अच्छे, ठीक है, ठीक है। उससे हमसे मतलब भी नहीं है, ठीक। मतलब ये है कि देखिए कांग्रेस ने नोटबंदी जीएसटी को मुद्दा बनाया, समाजवादी पार्टी ने बार बार कहा कि महंगाई है, साथ ही साथ बहुत सारी जो आप वो चाहे सीओ को लेकर के हो, ये कहते थे धारा नहीं हटाई जा सकती, हमने धारा 370 हटा करके भी दिखाई, हमने आतंकवाद को समाप्त करके भी देश में दिखाया, हमने
जनता को गलत साबित करते बंद करें। आपने पुलवामा हमले में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उनके परिवार वालों का हाल चाल लिया आपने, पुलवामा के शहीद हमारे अमर शहीद नौजवानों के बारे जवान के बारे में आप उनके परिवार का हाल चाल लिया, कितने लोगों को आपने जो सरकारी मदद पहुंचाई बताइए, आपके पास प्रमाण है इसकी जानकारी है नहीं बता पाएंगे साहब। अरे सब कुछ कर तो समाजवादी पार्टी रही है। अरे हम समाजवादी लोग करने पर विश्वास रखते हैं, आप तो सिर्फ बेवकूफ बनाते खाली। हमारे पास है सब कुछ। अरे आप बता दीजिए उन नौ में मरे जितने हमारे जवान शहीद हुए उनको कितनी पेंशन दे रहे हैं आप, कितना आपने उनको लाभ दिलाया बता दीजिए, कोई जवाब नहीं आपके पास आठ साल का, कोई जवाब नहीं है। आप तो ऐसी पार्टी के हैं, आप बताइए पुलवामा में और उसके बाद जितने भी लोग शहीद हुए हमारे। ठीक है प्लीज हो गया, अब ये छोड़ दीजिए, ठीक है ये छोड़ दीजिए, आगे बात आगे बात आगे प्लीज, एमएसपी के कानून का कानून का विरोध कर रहे हैं किसानों का, साढ़े साल से किसान मर गया, ठीक है मैं आगे क्या आपने पेंशन दी, हो गया हो गया हो गया, मदद दी हो गया, आप बता दीजिए किसान का नाम, किसानों को आपने आतंकवादी कहा था, आपको याद होना चाहिए। रवि सिंह पटेल हमारे साथ है, रवि जी कुछ कहना चाहते हैं। जैन साहब किसानों को आतंकवादी आपने कहा था, आज किसानों की बात करते हैं, किसानों को आतंकवादी कहा था आपने, साढ़े सात सौ शहीद हो गया हमारा देश का अन्नदाता शहीद हो गया, आपने क्या किया उसके लिए? रसिया सन प्लीज हो गई बात आ गई आपके, थोड़ी देर शांत रहिए। हाँ रविंद्र पटेल शहीद तो आपका विकास दुबे भी हो गया, ठीक है रविंद्र पटेल विकास दुबे भी सही हो गया, हमारा विकास दुबे आपका कुलदीप सिंह सहगर, आपका विकास दुबे, आपका अजय मिश्रा, आपके आशीष मिश्रा, सब तो आप ही के हैं। हमारी फ्रेंचाइजी से समाजवादी पार्टी से कोई निकला, सब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से निकले भाई साहब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे केसी जैन साहब आप भी हमारी वॉशिंग मशीन से आए हैं समाजवादी की, ठीक है प्लीज ठीक है ठीक है ठीक है साहब, अरे वॉशिंग मशीन से तो असल वाजपेयी जी भी आ गए, ठीक है वॉशिंग मशीन से तो आपके पिताजी भी निकले शिवपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी समाजवादी विचारधारा आप लेकर निकले थे, कहां पहुंच गए आप, कहां पहुंच गए यादव के रहे हुए जैन साहब आवाज कुछ गड़बड़ है आपके यहाँ, उसको ठीक कर ले। मैं ये कह रहा था कि आज अचानक से एकदम से आजम खान साहब से इतना प्रेम क्यों, क्या ऐसी बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी आजम खान साहब की चिंता करने लगी? जिस भारतीय जनता पार्टी ने जिन आरोपों के तहत आजम खान साहब को दो साल से ज़्यादा परेशान किया और लगभग तीन महीने से 88 मुकदमे लादे गए, आज उन आजम खान साहब से इतनी मोहब्बत क्यों, इन इतनी मोहब्बत का जवाब दे दीजिए, बस मुझे इतना पूछना कि आज अखिलेश यादव जी ने क्या क्या सुन नहीं पाया, प्रवक्ता कह रहे हम क्यों कहेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि आज आजम खान साहब पे इतनी लंबी डिबेट कर ली आपने, उतनी मोहब्बत क्या क्यों, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ संस्थापक सदस्य हैं, उनसे अखिलेश जी मिले, संस्थापक सदस्य तो शिवपाल जी भी थे, नहीं आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, आप जानकारी दुरुस्त करिए, शिवपाल यादव जी संस्थापक सदस्य नहीं है, इसको दुरुस्त करिए, आदरणीय शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य नहीं है, नहीं गलत बात जो भाई साहब कह रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, गलत तर्क, इसको आप लिखित नहीं दे सकते हैं, तर्क गलत, सत्यजीत जी मैं कह रहा हूँ इसको आप लिखित दिखा सकते हैं, 1992 में जब चलिए मैं आपकी बात से सहमत हो जाता हूँ भाई, आप उस पार्टी के प्रवक्ता है सही कह रहे होंगे, फिलहाल मेरी जानकारी जैन साहब जवाब दीजिए, धन्यवाद। देखिए नितिन जी, हमें इनकी पार्टी में कौन है कौन नहीं इससे कोई मतलब नहीं,
लेकिन चूंकि राजनीति में हम भी है और हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हम भी राजनीति करते हैं, हम भी चुनाव लड़ते हैं, तो कौन सी पार्टी में क्या हो रहा है इस पे भी हम नजर रखते हैं। और समाजवादी पार्टी खंड खंड हो रही है, ये तो एक छोटा सा बच्चा भी, उत्तर प्रदेश का 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि समाजवादी पार्टी की कितनी बुरी दुर्दशा हो चुकी है। आप देखिए, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है, शिवपाल यादव जी जिन्होंने पार्टी को खड़ी किया वो आज अपनी नई पार्टी बनाने वो पार्टी से अलग हो चुके हैं, क्यों पार्टी में हुए, किन परिस्थितियों में हुए, ये भी तस्वीरें। अच्छा, प्रियंका गांधी भी आई है, उनके लिए क्या कहना है जैन साहब? प्रियंका गांधी 2 दिन आई है, चिंतन शिविर चल रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी जी एज ए टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में आती है, अच्छा, और यहाँ पे मौज मस्ती करके वापस चली जाती है, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी आते हैं टूरिस्ट बन करके, उसी तरीके से प्रियंका गांधी जी आती है और उन्होंने इतनी ताकत लगा ली उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में जो कुछ उत्तर प्रदेश में था वो भी खा गई, उसको भी खत्म कर दिया कांग्रेस को। तो प्रियंका गांधी जी का प्रभाव क्या है वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे। ठीक है, ठीक, मैं जवाब ले लूं, मैं जवाब ले लूं, मैं जवाब, चंद्रेश क्या कह रहे थे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी केसी जैन साहब भाषण दे रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे और ये गिना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता, वो चुनाव जीता, वो चुनाव जीता। तो क्या चुनाव जीतना आपको इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि आपने जो किया वो सब सही किया? तो किस बात के लिए आप कांग्रेस या दूसरे पार्टियों को आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने भी चुनाव जीता है इतिहास में? किस बात के लिए आप मुगलों को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने भी बहुत लड़ाइयां लड़ी, जीती और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। चुनाव जीतने से आपके पाप नहीं धुल जाते, जब इतिहास आपका मूल्यांकन करेगा तो इस आधार पर मूल्यांकन नहीं करेगा कि आपने कितने चुनाव जीते या कितने चुनाव हारे। इतिहास आपका मूल्यांकन इस बात पर करेगा कि वास्तविकता में आपने क्या किया और उसका देश के नागरिकों पर क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा। इतिहास में अकबर और राणा प्रताप का जब भी मूल्यांकन करता है, यद्यपि कि अकबर ने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, लेकिन फिर भी इतिहास गर्व से राणा प्रताप को ही देखता है और राणा प्रताप को ही सम्मान करता है, जो हल्दी घाटी का चुनाव हार गए थे, हल्दी घाटी की लड़ाई हार गए थे, जो मेवाड़ के दुर्ग पर कभी पुनः भगवा ध्वज नहीं फहरा पाए, बाद में उन्होंने अपने पिता के साथ उदयपुर नगर की स्थापना किया। तो राणा प्रताप हारे लड़ाई, इससे राणा प्रताप का कद कम नहीं हो गया। राणा प्रताप एक नेक दिल इंसान थे, भारत के संस्कृत और मूल्यों के ध्वजवाहक थे। तो आज भी भारत के चौराहों पर और सिर्फ दफ्तरों में आजादी के बाद किसी का फोटो लगा तो राणा प्रताप का लगा, किसी दफ्तर में या किसी चौराहे पर अकबर की मूर्ति नहीं लड़ी। तो भाजपा चुनाव चाहे जितना भी जीत ले, इतिहास मूल्यांकन करेगा। तो जो इतिहास ने राणा प्रताप को जगह दिया वही इतिहास राहुल गांधी को वही स्थान प्रदान करेगा। चुनाव जीतने के बाद भी मोदी वो जगह नहीं ले पाएंगे जो इतिहास राहुल गांधी को जगह दे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राणा प्रताप की जगह राहुल गांधी ले सकते हैं? बिल्कुल। और सुनिए, और सुनिए बहुत महत्वपूर्ण बात, जैन साहब हंस रहे हैं आपकी बात में, दुनिया, अरे हंसने दीजिए ना, वो रावण भी हंसता था। जब राम कहे रावण से कि मेरी पत्नी दे दो मैं वापस चला जाऊंगा, तो रावण भी हंसता था ऐसे ही। उसे क्या पता था कि जिस पर हंस रहा है वही उसके सर्वनाश का कारण बनेगा। कंस भी कृष्ण पर हंसता था। चंद्रेश भाई, जैन साहब कह रहे थे कि प्रियंका गांधी आई है, मौज मस्ती करेंगी, 2 दिन घूमे टहलेंगी, चली जाएंगी। ऐसा है कि जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हमको लगता है वो आरएसएस से निकले हुए हैं। आरएसएस और भाजपा वाले मानसिक विकृति के शिकार हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, इसलिए इनके बयानों में बहुत हल्की चीजें देखने को मिलेंगी। ठोस और यथार्थ से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रियंका गांधी जी ने आज उत्तर प्रदेश की धरती से केंद्र सरकार और प्रांत सरकार को ललकारने का काम किया है, हरदर्वी योगी सरकार और मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का कार्य किया है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी बैठी नहीं है। चंद्रेश भाई, जैन साहब पूछ रहे हैं कि अब अगली बार कब आएंगे? माध्यम से लगातार जनता के बीच कार्य कर रही है। जैन साहब को एक बात होना चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी है जो भाजपा और आरएसएस के विनाश का कारण बनेगी।
और जब हमारा रथ चलेगा तो भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद उस रथ के नीचे रौद काटते हुए चले जाएंगे, इनका नाश भी हो। जैन साहब आप भाजपा की चिंता करें, सपा और गठबंधन की चिंता छोड़े आप। सुनिए हमारा जो वनवास है ये कभी कांग्रेस की तारीफ करते हैं, कभी जी जी की करते हैं, कभी अखिलेश जी की आज 8 साल प्रयोग लग रहे ठीक ठाक नहीं है करेंगे तो रावण रूपी कैसे जैन साहब ठीक है चंद्रेश भाई हो गई बात। 8 साल पूरे हुए ठीक नहीं, या तो फिर आजम खान साहब से डर गए आप, अभी लग रहा आपकी तारीफ कर रहे भाई। नहीं नहीं आजम खान साहब से अखिलेश यादव जी से डर रही है भाजपा सदन में। दिखाई कम से कम विपक्ष में आकर के डटे, डटे नहीं आप डर रहे हैं आजम खान साहब से अखिलेश यादव जी से आप डर रहे हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा दिक्कत है आपको। और हमारा गठबंधन में आदरणीय शिवपाल जी भी है ये मत भूलिए जैन साहब। देखिए सत्यजीत जी हंस रहे हैं आपकी बात पे, आप कह रहे कैसे नहीं है, अगर सत्यजीत जी कह दे नहीं है चैनल पर तो मैं मान लेता हूँ कह दे ये। आप अगर कह दे कि सत्यजीत जी कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी गठबंधन में नहीं है तो मैं मान लेता हूँ। आप बताइए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी है और आने वाले समय पर भाजपा को सबसे पहले मुकर होकर सबसे आगे खड़े होकर रोकने का काम करेंगे। केसी जैन साहब जी के पीछे आपको छुपना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? छुपना नहीं पड़ रहा, हम उनको साथ लेकर आगे बढ़ाकर चल रहे हैं हम लोग। अरे कहाँ छुपना आप तो पड़ रहा 8 साल का, अभी 8 साल का 2024 में जनता हिसाब मांगेगी। जनता आपसे 2024 में हिसाब मांगेगी, होशियार होकर जाइएगा। परेशान ना हो मीटिंग में नहीं बुलाते, देखिए जैन साहब कितने नाराज हैं। परेशान ना हो आप, परेशान ना हो। ठीक है आ गई बात, आ गई आपकी ठीक है। सदन के अंदर बता रहे थे उनसे पता करिए, अगर आपने हमारी बात मानी होती तो आप आज इधर बैठे होते और पक्ष उधर बैठा होता। तो ठीक है 2024 में हम लोग साथ लड़के आपको बाहर दिखाएंगे रास्ता, भाई सदन से बाहर करेंगे हम लोग। सत्यजीत जी समर्थन करते हैं ना हमारा, आप बताइए। ठीक है जैन साहब, ठीक है सत्यजीत जी जवाब दीजिए जी। आप क्यों आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने सदन में कहा था कि अगर गठबंधन हमारा साथ देता, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारा साथ देते, हमारे 40-45 साल के अनुभवों का लाभ उठाते हैं। 25 साल सरकारें चलाई है आदरणीय शिवपाल सिंह, 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी दल को सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री बनने का, चाहे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे हो या आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहे। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को अनुभवी लोगों का, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो 40-45 साल तक लगातार राजनीतिक क्षेत्र से छाए रहे हैं, तो उनका लाभ लेना चाहिए था। और देखिए संगठन, देखिए गठबंधन कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, लोगों को जोड़ने से चलता है, तोड़ने से नहीं चलता। मेरा अपना मानना है कि जितने भी वरिष्ठ लोग थे जो समाजवादी विचारधारा के थे, जो ममत्व पर आधारित समतामूलक समाज की रचना करना चाहते थे, उनको आदरणीय अखिलेश यादव जी को साथ बांधने की कोशिश करना चाहिए था। एक बात मैं फिर नितिन जी यहाँ कहूंगा, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब थे और संगठन चला रहे थे और उत्तर प्रदेश की हुकूमत चला रहे थे, नहीं ठीक है आज देखिए आज वैचारिक रूप से नहीं है, बोलिए पहले आप। नहीं 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 समाजवादी विचारधारा आज भी माननीय मुलायम सिंह यादव के विचारों पे ही चल रही है, एक अर्थ राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं है पूरी तरीके से, वो मैदान में नहीं आ सकते हैं, अगर मैदान में आ गए होते तो आज ऐसी दुर्दशा क्यों होती। तो हम इसलिए थे बोल रहे हैं, शब्दों पे मत आइए, हमारे शब्दों की जादूगरी यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा सिर्फ आशय इस बात से है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जब थे तो वो पिछड़ों के नेता माने जाते थे, लेकिन हर जिले में उनका सवर्ण नेता उनके साथ जुड़ा रहता था और सवर्ण पिछड़ों के गठजोड़ को उन्होंने जोड़ा और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में समाजवादी आंदोलन खड़ा करके उन्होंने संगठन को मजबूत किया। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि देखिये जब जब कोई नाराज हुआ आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से तो तुरंत उसके घर फोन पहुंचा, आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने वरिष्ठ नेताओं को भेजा उसके घर, स्वयं उसके घर गए और नाराजगी का कारण पूछा और नाराजगी के कारण पूछने के बाद उस पर उन्होंने जद्दोजहद किया कि भाई कौन सी वजह है, किन वजहों से आप नाराज हुए हैं और कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आपको मनाया जा सकता है। क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर वो विचार हैं? अगर वो विचार हैं तो देखिए फिर मैं कहूंगा कि समाजवादी विचारधारा कभी समाप्त नहीं होती,
आदरणीय अखिलेश यादव जी नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं और सारे विचार जैसे नेताजी में वैसे अखिलेश जी में आजम खान साहब से मिलने से लेकर जेल से लेकर हर जगह आदरणीय अखिलेश यादव जी बोलने दीजिए प्लीज बोलने दीजिए गलत बात है आप ये तो बोलिए तो मैं बोल लूं जो है चलिए बोलिए ये आपकी कुछ बात से नाराज हो जा रहे हैं पता नहीं क्यों नहीं मेरी बात से नाराज ना हो देखिए मैं आदरणीय अखिलेश यादव की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं वास्तविकता की जो वास्तविकता है उस वास्तविकता का जो पर्दा पड़ा है उस पर्दे को हटाना चाहता हूँ और अगर वो पर्दा हट जाता है तो समाजवादी विचारधारा कोई नहीं मैं नाराज नाराज नहीं हो रहा हूँ सही बता रहा हूँ कि गठबंधन के साथ ये जयंत साहब कह रहे हैं कि विपक्ष खंड खंड हो गया है मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ विपक्ष खंड खंड है मैं सही बात बता रहा हूँ ताकि भाजपा भारतीय जनता पार्टी भी बगल में बैठे भाजपा के प्रवक्ता सुन आपके कौन जैन साहब कौन जैन साहब समाजवादी पार्टी के साथी से मैं जानना चाहूंगा कि आजम खां पर और अखिलेश यादव पे डिबेट नाराज है नाराज नहीं है नेपाल पर और अखिलेश यादव पे डिबेट हो कि नाराज है नाराज नहीं है नहीं सबसे बड़ी नहीं है नहीं ये बात नहीं है बात ये कोई नाराज नहीं हमारा कोई भी गठबंधन का साथी नाराज नहीं बात ये है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को दिख जाएगा ठीक क्यों हो रही है इस पर नहीं होनी चाहिए लेकिन ये कहीं कमियां हैं कहीं आत्मावलोकन करने की जरूरत है जैन साहब आपसे भी बहुत दुख रहा है जसवंत सिन्हा जी तो अगर आप मुरली मनोहर जोशी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी बहुत तरह से याद होगा आपको ठीक है प्लीज ठीक है समय कम है प्लीज समय कम शायद भूल गए हो गया आप लोगों का जी को सत्र सिन्हा जी को हो गया समय कम है प्लीज लाल कृष्ण आडवाणी जी को ठीक है रजी भाई प्लीज समय कम है संस्थापक थे आप हो गया रजी भाई समय कम है प्लीज समय कम है रविंद्र पटेल ठीक है रविंद्र पटेल आप कुछ जैन साहब से पूछना चाह रहे थे क्या नहीं मैं जैन साहब से कह रहा था कि जैन साहब 8 साल बड़े कठिन दौर से गुजरे हैं कह रहे हैं गठबंधन खंड खंड दिख रहा है गठबंधन को कहां से कहां ले गए देश का जो अभिनंग था जम्मू कश्मीर उसको हम वापस लाए हैं जिसको लेकिन वहां की जनता को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं महोदय वहाँ की जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं जैन साहब आलोचना को सुनना चाहिए विपक्ष मजबूत है विपक्ष आपकी गलत नीतियों को उजागर करेगा सुनिए आप कश्मीर को आपने कितने प्लाट खरीदे वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में कितने प्लाट खरीदे आपने वहाँ पे जो वहाँ पे कश्मीर पंडित जवानों को सही ठीक है रजी भाई प्लीज रजी भाई बोलने दीजिए साथ ही वहाँ पे सुनिए जैन साहब वहाँ पे कल भाई प्लीज आपके पास चंद्रेश भाई जैन साहब को बोलने दीजिए एक कश्मीरी पंडित शिक्षिका को जैन साहब सुनिए जवाब दीजिएगा जनता को भ्रमित करने की कोशिश मत करो जैन साहब सुन लीजिए जैन साहब समय थोड़ा कम है सुन लीजिए जैन साहब जम्मू कश्मीर जल रहा है ठीक है रविंद्र पटेल बोलिए जल्दी से आपने कहा कि आपके नीतियों से आतंकवाद जो है खत्म हो गया अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कांग्रेस की औकात हो तो वापस 370 ला करके दिखाए जम्मू कश्मीर में ठीक है जैन साहब राजनीति में अवकाश शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए रविंद्र पटेल की बात सुन लीजिए राजनीति में अवकाश शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए जैन साहब ये सत्ता का मगरूरियत बोल रही है सत्ता में आपकी मगरूरियत बोल रही है जो आप सामने भी बच्चों को सोच नहीं ऐसे ही कभी कांग्रेस हुआ करती थी ऐसे ही कभी कांग्रेस तो क्या होता तो उसी समय देख लिए जब सोनिया जी से मोदी की मुलाकात हुई और मोदी ने सर को नीचे धका लिया सर को झुका लिया इनकी औकात क्या है ये टीवी पर बोल सकते हैं कांग्रेसियों के सामने खड़ा होकर आंख में आंख मिलाकर बोलने ठीक है चंद्रेश ठीक है प्लीज ठीक है चंद्रेश भाई प्लीज ठीक है ठीक है चंद्रेश भाई प्लीज 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 थैंक यू आप लोगों का भाई रुक जाइए सुन लीजिए जैन साहब सुन लीजिए रविंद्र पटेल की बात पूरी हो जाए भाई ठीक है चंद्रेश भाई प्लीज चंद्रेश जी का मैं ये कह रहा था देखिए मुद्दों पे आप जवाब देने से बचिए मत भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र में कब्जा है सरकार है उसकी तो उसको जवाब देना पड़ेगा और सुनिए सुन तो लीजिए ना आप सुन नहीं रहे हैं एक तो आपकी ऑडियो खराब है साबूत घोटाला कोई घोटाला बचा रही कांग्रेस से क्या और कांग्रेस ने क्या किया कांग्रेस ने नहीं ये आरएलडी से पटेल साहब जैन साहब
पटेल साहब आरएलडी से कुछ पूछना चाह रहे हैं जल्दी से बताइए। मैं ये कह रहा हूँ चंद्रेश भाई प्लीज, आप भ्रष्टाचार घोटाले की बात कर रहे हैं, कोई भी बोल रहा है तो लग रहा है भैया कांग्रेस। ठीक है चंद्रेश भाई प्लीज, चंद्रेश भाई प्लीज, कांग्रेस हाँ वो आपका एकदम दिख रहा है मुझे जैन साहब के अंदर। हाँ ठीक है, ठीक है चंद्रेश भाई प्लीज, पटेल साहब की बात हो जाए भाई, समय कम है मेरे पास। हाँ ठीक है जैन साहब, जैन साहब प्लीज, जैन साहब पटेल साहब की बात सुन लीजिए, रविंद्र पटेल की बात सुन लीजिए, जैन साहब रविंद्र पटेल की बात सुन लीजिए, बहुत समय का बहुत कम है। ठीक है रविंद्र पटेल, ठीक है जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, हाँ रविंद्र, देखिए आप सरकार हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देने से आप बच नहीं सकते इधर उधर की बातों को उठा करके। आपने दो तीन बातें उठाई अपने वक्तव्य में, आपने कहा कि आपने धारा 370 आपने समाप्त कर दिया, तो उससे उसका स्वागत किया हम लोगों ने, देश ने स्वागत किया, आपकी सही नीतियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको यह भी बताना चाहिए कि आपने वहां कितने प्लाट बेच दिए, कितने गैर कश्मीरी जाके वहां बसा दिए, और जो कश्मीर में नागरिक हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जिनके नाम पे कश्मीर फाइल के नाम पे आपने पूरी वाहवाही लूटी, कश्मीरी पंडित महिला शिक्षिका की कल हत्या की, उनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही भाई? वहां पे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, उनको सुरक्षा कौन देगा? वहां के कितने सैनिक मारे गए, इसके पहले कितने सैनिक मारे गए? पहले गलतियां हुई तभी तो आप आए, पहले जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार करने के लिए आप सरकार बनाए गए हैं, और आप इस बात को कह करके भाग नहीं सकते हैं आप कि पहले गलतियां हुई हैं, इसलिए देखिए आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा नोटबंदी से आतंकवाद बंद हो गया, आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, अभी मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था आदरणीय, अरे सुन लीजिए आदरणीय जैन साहब, कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 500 के नोट जितने छपे हैं उसके 1.5 गुना ज्यादा मार्केट में आ चुके हैं, और 2000 के नोट लगभग आधे से ज्यादा गुना मार्केट में आ चुके हैं। फिर ये बात एक है कि नोटबंदी हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है, समय कम है, समय कम है, समय कम है प्लीज, समय कम है, समय कम, ठीक है, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में कहीं ना कहीं अब 24 के चुनाव की तैयारी भी लगभग शुरू हो चुकी है, चाहे बीजेपी की बात करें या अन्य राजनीतिक दलों की भी, चाहे उत्तर प्रदेश में या फिर अन्य प्रदेशों में। और उसी को देखते हुए प्रियंका गांधी भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर लखनऊ में आयोजित कर रही हैं, हार का मंथन हो रहा है, समाजवादी पार्टी भी अब लगातार जो बाई इलेक्शन होने हैं उसको लेकर के तैयारियों में लगी हुई है, और बताया जा रहा है कि दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत है, तो वो जाहिर सी बात है अपनी जीत को दोहराने में पूरी ताकत जो है वो झोंकती हुई नजर आएगी। फिलहाल 24 की तैयारियां उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में चल रही हैं, और अब ये राजनीतिक पारा जो है वो नीचे नहीं आएगा। आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।